हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रक्षाबंधन का समय आ गया है और हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज से की बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं, तो उनके लिए ये मैंने शुगर फ्री लड्डू बनाया है। ये लड्डू ना तो आटा के गेहूं के आटा से बनाया गया है, ना ही चावल के आटा है, ना ही इसमें सूजी है, मैदा है, ना ही तो चना के सत्तू है। इसमें सिर्फ मैंने 2 बड़ी चम्मच बेसन डाला है और ना ही ये कोई ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी इसके अंदर डाला गया है, तो बहुत ही हेल्दी है ये। और चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। झट से बन जाती है, बनाने में भी इसे टाइम नहीं लगता और उतनी ही हेल्दी होती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। तो घी आप अगर इससे कम चाहे तो उतना भी डाल सकते हैं, आप 1 बड़ी चम्मच में भी इसे बना सकते हैं। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 बड़ी चम्मच बेसन डालेंगे और इसे बिल्कुल धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे बेसन जो है आप छान के लीजिएगा, मैंने बेसन को छान लिया था पहले ही। तो हम इसे अब धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम 1 कप रागी के आटा डालेंगे। तो रागी बहुत ही हेल्दी होता है, इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। साथ ही ये शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, मोटापा और ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे 1 कप रागी का आटा लिया है और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। इसकी लड्डू जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही हेल्दी, तो अपने आप में ये है ही। तो हम इसे 5 से 6 मिनट धीमी आँच पर भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपके पास नारियल का पाउडर है तो वो 4 बड़ी चम्मच डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मखाने का पाउडर भी बना करके 4 चम्मच बड़ी डाल सकते हैं। अब इसे हम डाल के 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके अलग रख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। अब कढ़ाही में 3 से 4 बड़ी चम्मच के करीब पानी डालेंगे, साथ ही उसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। तो ये पूरे फुल क्रीम दूध है और यहाँ पे फुल क्रीम दूध ही आप डालिएगा। इसके ऊपर जो काला काला आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसी में रागी वाले आटा को भूना था। तो अब हम दूध डालेंगे और इसे 1 उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 1 उबाल आ जाएगा, इसे मीडियम आँच करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। किनारे किनारे से जो लगा हुआ दूध है उसे हम भी हटाते रहेंगे, नहीं तो वो उसी में चिपक जाएगा। और इस तरह से 1 लीटर दूध को हम 1/4 हिस्सा कर लेंगे। तो दूध जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, आप देख रहे हैं दूध कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये दूध हमारा अच्छे तरह से तैयार हो चुका है, इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। तो सबसे पहले हम गैस बंद करेंगे और गैस बंद करने के बाद हमने जो यहाँ पे रागी यानी जिसे हम मरुआ भी बोलते हैं उसका पाउडर हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो पहले मैंने आधा डाला है और उसे अच्छी तरह से पहले एक बार मिला लेंगे। एक बार मिलाने के बाद फिर जो हमारा बचा हुआ रागी का आटा है उसे भी डालेंगे और फिर अच्छे तरह से इसे मिला लेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको गैस बंद कर देना है और गैस बंद करने के बाद ही ये रागी का आटा आपको डालना है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे और मिला करके इसमें इसे 1/4 हिस्सा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसका हम बाद में यूज करेंगे और भी फिलहाल हम इसे निकाल के बाहर अलग रखते हैं। अब मेरे कढ़ाही में जितना ये रागी का मिश्रण बचा हुआ है उसमें 1/2 कप गुड़ का पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ बोलेंगे कि ये तो आपने बोला है कि शुगर फ्री है, तो फिर शुगर फ्री कैसे है? मैं आपको बताऊंगी कि ये शुगर फ्री कैसे है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल 1/2 कप गुड़ का पाउडर डाल दिया है। आप अगर चीनी खाते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं 1/2 कप। तो मैंने यहाँ गुड़ का पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। तो ये हल्का सा गर्म रहना चाहिए, ठंडा होने पर ये नहीं बनता है। तो जब हल्का सा गर्म हो यानी हाथ से छूने लायक हो तो हम इसकी लड्डू तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहती है तो आप इसे लड्डू ले सकती हैं गुड़ वाले 1 से 2। तो अगर आपको डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में है, नहीं बढ़ता है, आप हमेशा मेंटेन करके रख रहे हैं, अपने खाना पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो अब ये गुड़ वाली लड्डू आप खा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने दो तरह से लड्डू बनाया है, एक तो बिल्कुल शुगर फ्री और एक गुड़ वाली लड्डू बनाया है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोगों के लिए भी ये वाली लड्डू बहुत ही अच्छी है। अब जो मैंने यहाँ पे एक चौथाई हिस्सा जो रागी का आटा निकाल के रख लिया था, इसे हम पहले हाथ से अच्छे तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम शुगर फ्री पाउडर डालेंगे, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो ये चाय में या फिर किसी भी मिठाई में डाल के खा सकते हैं। तो ये हम 3 पैकेट यहाँ पे डाल देंगे, ये बिल्कुल छोटा छोटा पैकेट आता है, तो ये हम डाल देंगे। 1 बड़ी चम्मच हम गरम किया हुआ घी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसकी लड्डू तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू जो है बिल्कुल आपकी शुगर फ्री लड्डू बन गई। तो मैंने आपके साथ 2 तरह के लड्डू शेयर किया है, एक तो गुड़ वाली और ये के शुगर फ्री लड्डू। तो अगर आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता है और राखी के दिन तो आप कोई ना कोई मिठाई खाएंगे ही, तो उसके जगह आप ये वाली लड्डू बनाइए, बहुत ही हेल्दी होगी आपके लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा भी होगा। लेकिन अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल रहता है तो फिर आप गुड़ वाली लड्डू भी 1 से 2 ले सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे शुगर फ्री लड्डू बनाया है उसे मैं कोकोनट पाउडर से कोट करूंगी, जिससे कि ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से मैं सारे शुगर फ्री लड्डू को कोकोनट पाउडर से कोट कर लूंगी। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे मखाने के पाउडर में भी इसे कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने ये 2 तरह के लड्डू आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर घर में कोई ना कोई तो डायबिटीज के पेशेंट है ही, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ये लड्डू बना सके और रक्षाबंधन में खुश होकर खूब सारा इंजॉय कर सके। हर किसी को मीठा खाने का जरूर मन करता है, तो क्यों ना राखी में हम इस तरह से हेल्दी वाला लड्डू बनाए। मैंने लड्डू को और अच्छे से सजाने के लिए इसके ऊपर सूखी हुई गुलाब की पत्तियां डाला है। आप चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता का पाउडर भी छिड़क सकते हैं या फिर बादाम का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।